नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो तबले से रिलेटेड ही है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि क्या होता है हमारे साथ, जैसे हम तबला बजाते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मतलब 2-3 महीने बाद हम बजाते हैं तो क्या होता है, अगर आपके हाथ में पसीना आता है तो क्या होता है, ये सही निकल जाती है, जिस कारण से क्या होता है ये पूरा फैल जाता है और हमारा तबला गंदा हो जाता है सही फैलने की वजह से। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम बिना हाथ धोए तबला बजाना लगते हैं तो क्या होता है, हाथ का जो मैल होता है वो भी इस पर लग जाता है और कभी धूल धूल बैठ जाता है तो क्या होता है कि ये पूरा गंदा दिखने लगता है और अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप क्या करें, आपके हाथ में पसीना नहीं आएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका। तो फिलहाल जो आज का हमारा वीडियो है वो तबले की सफाई को लेकर है। आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी तबले की सफाई कैसे करें, किस किस चीज़ को उपयोग में लाएं तबले की सफाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको म्यूजिक से रिलेटेड या फिर तबले से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे फैमिली मेम्बर के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी आप यहाँ से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई वीडियो डालें अपलोड करें तो आपको बिल्कुल उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और यहाँ से इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, चाहे आप नए यूज़र हैं तबले के या फिर पुराने हैं, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक रुमाल लेना है, आप एक रुमाल ले सकते हैं या फिर आप एक पुराना कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके घर में पेट्रोल मौजूद है तो आप पेट्रोल ले सकते हैं, अगर आपके घर में पेट्रोल मौजूद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पानी से भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको पानी को बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना होगा, आपको बिल्कुल भी संभल के सफाई करनी होगी पानी से अगर आप यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोल भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको संभल के करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको पेट्रोल या पानी इसमें यूज़ नहीं करना है। पूरा आपको प्रोसेस दिखाऊंगा, इसलिए आप पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, अंत तक वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों, एक गिलास में आप यहाँ से पानी ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ से देख सकते हैं, आपके सामने ले रहा हूँ। आपको ये रुमाल लेना है, रुमाल को ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे मोड़ देना है। तो आपको क्या करना है, गिलास में थोड़ा पानी जो लिया है हमने इसमें इसको डुबाना है, थोड़ा देर तक आप डुबाए रखिएगा, थोड़ा जो इसका आगे का हिस्सा है उसको डुबाए रखिएगा। उसके बाद आपको इसे बिल्कुल निचोड़ देना है, जैसे कि ये देखो, आपको बिल्कुल ज़्यादा पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों देखते हैं, आपको सफाई करनी है यहाँ से, देखते हैं यहाँ, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले आप यहाँ से सफाई करोगे, इसे आप बिल्कुल साफ़ कर लीजिएगा जैसे कि आप हम वीडियो में देख पा रहे हो। फिर अगर ये थोड़ा पानी कम हो जा रहा है तो फिर आप क्या करते हैं, थोड़ा फिर डुबा सकते हैं। आपको बिल्कुल कम थोड़ा पानी लेना है, ना के बराबर, बिल्कुल आपको ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, तो आपकी चाटी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो पहले सबसे पहले आपको सबसे ऊपर वाली चाटी को साफ़ करना है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइनली जो हमारा तबला है बिल्कुल चमक चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल इसमें पूरी सफ़ेदी आ गई है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने अभी ये तबला नया खरीदा होगा, वो इसका ऊपर का देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आप इस डग्गे को भी साफ़ कर सकते हैं, यही प्रोसेस है, पर ऐसा है कि आपको पानी बहुत कम से कम यूज़ करना है और आपको बिल्कुल सब से काम लेना है, आपको बिल्कुल भी ये ज़्यादा पानी इसमें डालना नहीं है तो आपका सही है बिल्कुल ये फैल जाएगी, ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप इसमें अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो ये सही पूरी उखड़ जाएगी आपकी। आपको बिल्कुल अच्छे से काम करना है, भले ही आपको ज़्यादा टाइम लग जाए लेकिन आपको बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल धीरज से आपको काम करना है,
इसलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप बिल्कुल कुछ ना कुछ जरूर समझे होंगे। आप इसी प्रकार इस डग्गे को भी साफ कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अगर मैं इसमें डग्गे को साफ करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप खुद कर सकते हैं, इसी प्रकार करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप यहाँ से कुछ अच्छा समझ पाए होंगे, और आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।